बड़े भी रहेंगे, छोटे भी रहेंगे, सर्कल बना के लगाएंगे, आराम से लगाएंगे, आराम से। रुक जाओ, आराम। उसके बाद नीम का लगेगा और पपाया पपीता का लगेगा। लगाओ उधर ही, मत डालो इधर भी डालो, कोई एक और चारों तरफ इधर भी डालो। ए जुगनू इधर भी आओ, इधर भी डाल दे। अरे चलो बड़ा ईटा, वहां पे ईटा गिरा जाए नहीं तो कोई जानवर आके खा जाएगा। पेड़ लगाना बहुत आसान है, उसे पालना संभालना बहुत मुश्किल है। ले चलो आयुषी, धूप लग रही है बेटा, हट जाओ, अब धूप लग रही है, हट जाओ आयुषी, धूप लग रही है, हटो उमेश मामा कर दे। सब ईटा ले आओ, ले आओ। चलो इसको भी गाड़ दो, पानी है तो कितना पानी चाहिए उसमें डाल दो। पकड़ो, छोड़ो, और पानी चाहिए, ले आओ जो बाल्टी में पानी और लाओ। छोटे बच्चे आगे रहेंगे, बड़े बच्चे पीछे रहेंगे, बड़े बच्चे पीछे रहेंगे, छोटे बच्चे आगे रहेंगे, बड़े पीछे। हमारा पाप है, पेड़ हमारा पाप नहीं है, पेड़ काटना पाप है, पेड़ ही जीवन है, पेड़ ही जीवन है, पेड़ काटना पाप है, पेड़ काटना पाप है, पेड़ बचाओ, पेड़ बचाओ, जीवन बचाओ, जीवन बचाओ। सब अब रोड आ गया है, कोई जल्दी जल्दी चलेगा, सब आराम से चलेंगे रोड पे, एक साइड चलेंगे, ठीक है, सब एक साइड चलेंगे, अब आराम, सब एक साइड से आओ। पेड़ काटना Yeah.
कर रहे थे नए बनाए। गुड आफ्टरनून ओम टू। आज हमारे दुकान का उद्घाटन हुआ है। हाँ। देखो बच्चे लोग को लेके आई हूँ अपने। क्या क्या है बोलो। दिखाओ बोलो मुझसे क्या क्या है। बिस्किट है। अच्छा बिस्किट कितने वाला है? पांच। सारे बच्चों को मेरे एक एक दो। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपको इस दीप्ति का राम राम जी। और बाद में बोल पाऊं कि नहीं बोल पाऊं, हंसते रहिए हंसाते रहिए, जहां रहिए हमेशा जिंदाबाद रहिए। और मैं आपको बता दूं कि आज जो है क्या नाम है, हरियाली पूर्णिमा, सावन का हरियाली पूर्णिमा था। उस अवसर पे मैंने बच्चे लोग के हाथ से पेड़ लगवाया, जो कि आप लोगों ने वीडियो में देखा ही। ये देखिए, ये है केले का पेड़, बहुत अच्छा होता है। तो जैसे कि गाइस, यहाँ बच्चे लोग बहुत शोर मचा रहे थे और परेशान कर रहे थे वीडियो बोलने में, तो मैं ये ऊपर से आवाज़ डाल रही हूँ और बता रही हूँ। मैं भी वीडियो में यही बोली थी कि आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, या फिर आप लोग विनती जो भी समझिए, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर एक इंसान को 5 पेड़ जरूर लगाना चाहिए। आप ही लोग सोचिए गाइस, अगर एक इंसान 5 पेड़ अगर लगाता है तो हजारों करोड़ों, मतलब जितने हम लोग के देश में पेड़ की कमी है बिल्कुल भी नहीं होगी। पेड़ से हमें क्या, ऑक्सीजन भी मिलता है, हमारे लिए भी अच्छा है, हम लोग का वातावरण भी शुद्ध होता है, और जीव जंतु जितने भी पक्षी वगैरह हैं और कीड़े मकोड़े जो भी हैं वो अंडा देंगे, जितने भी है समझ लीजिए सब पेड़ के वजह से ही है, और पेड़ तो बिल्कुल ही बचना चाहिए। तो मुझे आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग एक क्या 5 पेड़ लगाइए और उसे 5 साल तक संभालिए, क्योंकि पेड़ लगाना तो बहुत ही आसान होता है गाइस, लेकिन उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। और 5 साल तक संभालिए, पानी वगैरह सब कुछ दे के, और फिर जानवर भी, बकरी और क्या कहते हैं किसान बछड़ा, इतना परेशान कर देते हैं सब, तो बचाना बहुत मुश्किल होता है। बचा के रखिए दोस्तों, बाय।